हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 14 जुलाई 2022, टाइम हो रहा है 8:10 और मैं आ गया हूँ इंदिरापुरम गाजियाबाद। दो दिन से काम नहीं करा था कुछ भी और घर पे ही था। जो मेरे फूफा जी आए थे ना, उन्हें लेके गया था हॉस्पिटल और घुमाया था उन्हें, तो कोई काम नहीं करा दो दिन तक। और दो दिन के बाद निकला हूँ, आज भी कोई बाहर नहीं जा रहा हूँ और लोकल में दिल्ली में ही काम करूँगा। देखेंगे आज ओला में काम होगा, उबर में काम होगा, सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस अभी मैं साया बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। ये यहाँ पे साया बिल्डिंग है, धूप में दिख नहीं रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है ना इस वजह से। और सुबह मैंने जैसे उठा था ना 5 बजे, तो मैंने ड्यूटी ऑन कर ली थी क्योंकि आज काम करने का मन था, तो मैंने लोकल की बंद कर ली थी, आउट की खोल ली थी। तो तकरीबन शायद टाइम नहीं देखा मैंने, 6 बजे के आसपास एक आउट की ड्यूटी आई। अगारा है MP, मध्य प्रदेश में है अगारा। यहाँ से 386 किलोमीटर था और 12,703 रुपये की ड्यूटी थी। ये देखो मैं स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन शॉट है, ये वाली ड्यूटी आई थी अगारा। मैं सोच रहा आगरा है लेकिन वो अगारा था, तो वो ड्यूटी एक्सेप्ट नहीं हो पाई किसी वजह से। और फिर मैं नहा धो के और फ्रेश होके निकल गया काम करने। तो आज सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और फेसबुक पे फॉलो भी करो। फेसबुक पे फॉलो अच्छे वाले हो गए हैं, यूट्यूब से आगे निकल गया है फेसबुक। यूट्यूब मैंने पहले स्टार्ट करा था लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर जितने नहीं है, इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर फेसबुक पे हो गए। तो मैं फेसबुक को ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, फेसबुक के ही कमेंट सारे रिप्लाई करता हूँ, मैसेंजर पे मैसेज करते हूँ रिप्लाई करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे तो कल 2 दिन बिजी था थोड़ा, तो काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी आप चेक करो, सारे रिप्लाई मैंने कर दिए हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी क्वेश्चन थे आपके सारे मैंने फिनिश कर दिए हैं। और अगर भी और भी कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और मैसेज करो अपने सारे क्वेश्चन। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यूट्यूब आप फेसबुक पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में है, बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा है यहाँ पे विक्की के ब्लॉग, कॉन्टैक्ट फॉर मी इंस्टाग्राम आईडी विक्की के ब्लॉग, ऐसे करके लिख के आएगा बढ़िया से। और मैं आ गया हूँ, अपना गाड़ी खड़ी है और अपना नाश्ता वास्ता लेके वीडियो बना रहा हूँ, दिखाता हूँ नाश्ते में क्या ले आया हूँ। आप समझ गए होंगे, कुछ लोग जो पहले से देख रहे हैं मुझे वो समझ गए होंगे नाश्ते में क्या लाया हूँ। बाकी मैं गाड़ी के अंदर बैठ के दिखा देता हूँ, एसी चल रहा है बढ़िया। तो नाश्ते में है अपना, बताओ क्या है नाश्ते में, वही अपना पहले वाला पोहा है। और घर से चाय पी के निकला था, थोड़ी सी नमकीन खा ली थी, लेकिन अभी पोहा के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँ ना, मज़े आ जाते हैं। तो कर लेता हूँ नाश्ता और मिलते हैं हम बुकिंग आने के बाद। और कैसा रहेगा ब्लॉग सारा कुछ बताएंगे इसी ब्लॉग में। बार बार वही बोल रहा हूँ, बोरिंग वीडियो बन रहा है मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हो, आपके लिए थैंक यू सो मच। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाजियाबाद से, गो। टाइम हो गया 8:30 और ओला में ड्यूटी आ चुकी है। और ये अहिंसा खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद से आई है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो कर लेते हैं पिकअप, देखते हैं स्ट्रिप में कितना पैसा मिलेगा और राइडर कहाँ जाएंगे, कितना कमीशन कटेगा और कितना कस्टमर का बिल बनेगा, सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस कर लेते हैं पिकअप, वरना राइड हो सकती है कैंसिल, तो मिलेंगे आपको ड्रॉप करने के बाद। सो गाइस टाइम हो गया है 7:30 और मैं इंदिरापुरम में ही खड़ा हूँ। सुबह 7:30-8 बजे से खड़ा हूँ तकरीबन, जब भी आया था ना मैं 9 बजे के आसपास आया था या 8 बजे आया, ध्यान भी नहीं रहा, तब से मैं इंदिरापुरम में खड़ा हूँ। सुबह से सो रहा था गाड़ी में और सोते सोते अभी पता ही नहीं लगा कितनी रात हो गई, देखा तो 7:30 बज गए। और फटाफट इंदिरापुरम में पेड़ वेड़ बहुत है ना, उधर से इधर आ गया बाहर की तरफ। ये सेक्टर 62 है और ये सामने है साया बिल्डिंग, सिप्रा मॉल की बैक साइड में खड़ा हूँ, जो सर्विस लाइन है ना वहाँ पर खड़ा हूँ। इधर रोशनी है थोड़ी, इधर आ गया वीडियो बनाने के लिए, मैंने कहा वीडियो भी कंप्लीट करनी है और कोई भी अपडेट नहीं करा वीडियो आज, क्योंकि आज एक ही ड्यूटी आई थी जो मैंने दिखाया वीडियो में, लेकिन वो ड्यूटी के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं, मूड ऑफ हो गया। उन्हें कस्टमर को पिकअप करने गया, 15 मिनट वेट करा और वेट करके मैंने ड्यूटी कैंसिल कर दी। फिर बाद में कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, भैया कहाँ पे खड़े हो, मैंने कहा सर कैंसिल कर दी मैंने ड्यूटी तो, और आपने 15 मिनट से ऊपर होगा कोई रिप्लाई आया नहीं आपका, तो उनसे ऐसे ही मूव बहस हो गई थोड़ी सी। तो मैंने वीडियो शूट करा नहीं, माइंड थोड़ा अपसेट हो गया, क्योंकि कोई भी अगर किसी से मतलब कुछ भी हो जाए ना, हुज्जत हो जाए या कुछ हो जाए तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं, तो कोई अगर बैड कमेंट कर दे तो मैं दिमाग ही हट जाती, फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता ना किसी से अच्छे से बात कर पाता। तो वीडियो शूट नहीं करा, गाड़ी में आके सो गया, वीडियो देखता रहा, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता रहा लोगों को, वीडियो शूट नहीं करी। मैंने कहा कोई ड्यूटी आएगी तो करूँगा, लेकिन दिन में सोता रहा, गाड़ी में बैठा रहा, इंस्टाग्राम पर सारे मैसेज का रिप्लाई कराया। आज आप चेक करो जाके, पूरे मैसेज फिनिश कर दिए हैं और सभी लोगों को हेल्प की है। आप देखते हो मैं इंस्टाग्राम करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और रिप्लाई करता भी हूँ नहीं करता हूँ, आप एक बार चेक करो।
आप एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज करके देखो, हेलो का मैसेज डालो और देखो आपको कि मैं कितनी देर में रिप्लाई कर रहा हूँ। हमेशा इंस्टाग्राम पे फॉलो करने को कहता हूँ, तो प्लीज़ एक बार मैसेज करो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक का कमेंट बॉक्स चेक करो, वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पड़ा हुआ, बाकी ये स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप देख सकते हो। तो आज मेरा काम है जीरो है, कल तो मैंने काम करा नहीं, मैंने बताया फूफा जी को लेके गया था हॉस्पिटल, तो कल कोई काम नहीं करा और परसों भी नहीं करा, परसों तो ब्लॉग शूट भी नहीं करा था और आज भी कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा है। सुबह एक ड्यूटी आई थी जो मैंने बताई है, उसके बाद एक लोकल की ड्यूटी आई थी और वो थी गुड़गांव की, लेकिन वो कैंसिल हो गई और फिर मैं सुबह से ऐसे ही खड़ा हूँ। तो आज मेरा काम जीरो है। जिन लोगों पे आर्टिका का भूत सवार है ना, आर्टिका लेनी है, तो मेरा तो काम हुआ नहीं है। मैं यहीं पे वीडियो शूट कर रहा था तो एक भैया आए, यहाँ पे बुलंदशहर की नंबर गाड़ी है, तो इन्हीं से बात करते हैं। मैं अपना तो रोज़ बताता हूँ, तो आज इन्हीं की आर्टिका है, इन्हीं की मूजमानी बात करते हैं। मैंने काफ़ी बात कर रखी है इनसे, तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शूट करते हैं आज, तो इनसे बात करते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं, ये कितना कमाते हैं और कितना इनका खर्चा होता है, कैसे ईएमआई निकाल रहे हैं और पर डे का क्या अर्निंग है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हीं से लेते हैं। तो मिलवा देता हूँ भैया से और फिर बात करेंगे। सो गाइस ये हैं भैया, हेलो। हेलो भैया, क्या नाम है सर? बढ़िया बढ़िया, आकाश भैया हैं और इनका गाड़ी नंबर मैं दिखा देता हूँ, ये बुलंदशहर का नंबर है, यूपी 13। तो कैसा चल रहा है भैया आर्टिका में काम? काम दाम तो कुछ है नहीं भैया, बस टाइम काट रहे हैं। सच बताना, इधर लाइट आ रही है, इधर मुँह कर लेते हैं, इधर पैसे गाड़ी आ रही ना, इधर आ जाइए मेरे। हकीकत में भैया कोई काम नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है। तो वैसे देखो कुल 500 रुपए का काम करा है। देखो आप बताओ, मेरे बगैर गए भैया ने डिवाइस दिखा दिया अपना, मैं बता देता हूँ, और 544 रुपए 7 पैसे का काम हुआ सुबह से, है ना? वैसे भाग रहा हूँ फिर भी इतना काम हुआ है, और वैसे कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। आर्टिका में की गाड़ी ले लेंगे, आईटी का काम अच्छा होगा। अच्छा कल कितने का काम हुआ था? कल तो जीरो बैलेंस था, कल भी नहीं हुआ ना? नहीं परसों भी जीरो बैलेंस था, नहीं परसों 151 रुपए का काम हुआ था। अच्छा परसों वाले दिन 151 रुपए। अच्छा ये काम कम क्यों हो रहा है, कुछ लग रहा है आपको मार्केट में मतलब क्यों आया? मार्केट में काम ये हो रहा है कि पब्लिक सोच रही है ऑल ओवर में काम ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो हर एक कोई गाड़ी ला रहा है। अच्छा अच्छा, अब जैसे मैंने तुमसे कह दिया, कान में डाल दिया कि भैया गाड़ी निकल रही है, गाड़ी आ रही है, काम है, और तुम कल को गाड़ी ले आए, तो ऐसे ही काम नहीं है। अच्छा पहले काम 100 थी, अब 200 हो गई है। अच्छा गाड़ी की क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन मार्केट में भी मंदा है। हाँ मार्केट में भी काम मंदा है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इतने सारे कमेंट आते थे, हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो अभी मेरे यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से मुझे कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। काम है ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब मार्केट में मद्दा है। तो इसका हमें अफसोस नहीं है, पता क्यों? क्योंकि देखो मेरा काम नहीं हुआ है तो भैया का काम नहीं हुआ है, और भैया का नहीं हुआ है तो और लोगों का काम नहीं हुआ है। अफसोस जब करना चाहिए, जब सभी का काम हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, ना सही बात? बिल्कुल सही बात है। अगर सबका काम हो रहा है मेरा नहीं हो रहा तो मुझे अफसोस करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे मेरा फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पे मेरी कमी आ रही है जो मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, सब लोग कमा रहे हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा नहीं हुआ है तो भैया का नहीं हुआ है और किसी का भी नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी सब्सक्राइबर मिले कि आज हमारा नहीं हुआ, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, पता क्या जैसे टेंशन हो जाती है, जैसे मेरे पास बुकिंग नहीं बज रही है तो मुझे लगता है यार मेरी आईडी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं होगा, मेरे पास बुकिंग नहीं आ रही है। चैनल का नाम क्या है? विक्की के ब्लॉग। विक्की के ब्लॉग, हाँ। सो गाइस, तो ऐसे ही सभी लोगों को टेंशन लगी रहती है कि हमारा काम नहीं आ रहा है, हमारा काम नहीं आ रहा है। फेसबुक क्या भैया आपका? सेम विक्की के ब्लॉग। सो गाइस ऐसे ही सेम मतलब सभी लोगों को टेंशन रहती है। मेरे एक सब्सक्राइबर भी आए थे, वो नाम पूछने लगे तो उन्हें बताया मैंने, तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो जैसा भी है। थैंक यू। तो क्या हुआ ना, जैसे ऐसे सभी को टेंशन लगी रहती है, जब वो मेरे से बात कर लेते हैं ना तो एक दूसरे से बात हो जाती है, तो पता लग जाता है कि भाई हमारे पास नहीं है तो इनके पास भी काम नहीं है, तो इससे क्लियर हो जाता है। अभी मतलब ऐसा हो जाता है, अब अकेले काम नहीं हो रहा तो टेंशन लगी रहती है ना, टेंशन लगी रहती है। जब मार्केट में सभी का मंदा रहता है तो सबको बराबर लगता है, बराबर टेंशन खत्म हो जाती है हिसाब से, लेकिन काम की टेंशन रहती है, लेकिन ये टेंशन नहीं रहती हमारे अंदर कोई कमी है या हमारी आईडी में गड़बड़ है, हमारी गाड़ी में गड़बड़ है, हमें डर यही रहता है कि हमारी आईडी कहीं टावर ना ले रही हो, मोबाइल वाले कोई कमी ना हो, ऐसा रहता है, डर रहता है। लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ना तो ये फायदा हो जाता है। बाकी काफी लोग मैसेज करते रहते हैं कि आर्टिका लेनी है, आर्टिका लेनी है, तो अभी कुछ समय वेट करो, अभी गाड़ी देखो बुक करोगे तो 1 साल की वेटिंग है, पहली बात तो देखो मार्केट में आके काम कर लो, और गाड़ी लेने से पहले समझ लो, किसी की वीडियो देख के इतने ज्यादा मोटिवेट मत हो जाओ कि आप अपना 12 लाख इन्वेस्ट कर दो, है ना? किसी की वीडियो देख लिया आपने, वो 10,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, लेकिन जिस दिन नहीं कमा रहा है वो भी तो देख लो, देखो कमा लिया, एक दिन कमा लिया, एक दिन कमा लिया, 3 दिन से बैठ के खा रहा हूँ। अच्छा उस दिन जो आप बता रहे थे कितने कमाए थे आपने? एक दिन मेरे 7,500 कमाए थे भैया ने, एक दिन में 7,500 कमाए, उसके बाद 3 दिन से 151 रुपए का काम करा है, 544 का काम करा है, और आज बैलेंस कल जीरो था, तो समझ लो, तो 7,000 वाली को देख के आप एकदम गाड़ी मन निकाल लो, 151 को भी ध्यान रखो और 544 को भी ध्यान रखो, इनको भी ध्यान में रखे चलें।
मतलब हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा चला रहे हैं, लेकिन देखो मार्केट में मद्दा आता है ना तो ईएमआई देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही रहता है मार्केट, आज का मार्केट भी डाउन है, कल का कैसा रहेगा कल की वीडियो में बताएंगे। और काफ़ी लोग मुझे नंबर मांगते हैं, तो प्लीज़ नंबर कैसे दे पाऊंगा, सभी लोगों को नंबर दूंगा तो मैं गाड़ी कैसे चला पाऊंगा, सभी लोगों की इंक्वायरी रहेगी। लेकिन मैंने कुछ प्लान करा है, मैं आज इस महीने में 14 तारीख है ना, आज 14 तारीख हो गई, 15-16 दिन का वेट और करो, मैं अगले महीने में अगस्त में अपना एक नंबर लूंगा मैं, जो सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और मैं अपना दिन में एक किसी समय टाइम निकालूंगा, उस समय मैं लोगों से बात करा करूंगा फोन पे कॉल पे। काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे कि जिन्हें मैसेज करना नहीं आता, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, फेसबुक नहीं चलाते, वो लोग मेरे से बात नहीं कर पाते, तो ऐसे सभी लोगों को मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मोबाइल नंबर, और दिन में 1-2 घंटे जब फ्री रहता हूँ मोबाइल ऑन करूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, अपनी जो भी इंक्वायरी है ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लोगों को डॉट लगा रहता है, कोई कहता है लाखों की इनकम है इसमें, ये है वो है, गाड़ी ले लो, है ना, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि कोई हमें प्रॉपर बंदा मिल जाए जो हमें इसकी सही जानकारी दे पाए। तो मैं आपको दूंगा सही जानकारी, अगर आप गाड़ी चला सकते हो तभी लेना, किसी के कहने पे आके गाड़ी मत लेना, अपना पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें देखो मुसीबतें भी बहुत हैं और फायदे भी बहुत हैं, हर तरह का काम है ना सर? बिल्कुल सही बात। हाँ, कभी कभी बहुत परेशानी आ जाती है, कभी कभी काम कम आता है कभी कभी, तो ऐसा चलता रहता है। तो कुछ दिन का वेट करो, 15-16 दिन का, 15-16 दिन के बाद में अगले महीने में आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो, सारी इंक्वायरी कर सकते हो, कैसे गाड़ी लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, परमिट क्या होता है, फिटनेस क्या होती है, टैक्स क्या होता है, दिल्ली नंबर गाड़ी लेके यूपी में जाएंगे टैक्स कटवाना पड़ेगा, कितने का कटेगा, टोल किससे लेना पड़ेगा, कस्टमर देगा या हम देंगे या कौन देगा, ड्राइवर का नाइट चार्ज कौन देगा, ये सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा मैं आपसे डायरेक्ट बात करके। तो अगस्त में मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज मेरी अर्निंग 0 है, भैया की 544 रुपये की है, आज मैंने जो खाना खाया है ना वो भी पेटीएम से खाया है, मतलब पेटीएम से पेमेंट की है, कैसी नहीं था मेरे पास, तो पेमेंट भी मैंने पेटीएम से करके खाना खाया, इतने बुरे हालात हो गए आज। देखते हैं कल का दिन कैसा रहेगा, सारी बातें बताएंगे, कल का ब्लॉग कैसा रहेगा, कल की अर्निंग कैसी रहेगी, कल काम कितना होगा, सारा कुछ बताएंगे। तो ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। ब्लॉग देख लिया, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता भी दो मुझे कैसा लगा ब्लॉग, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा पक्का। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चन करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर दो वीडियो और फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।